नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। दिल्ली में मतदाताओं को डराने के आरोप में 9 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई ने 9 बदमाशों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी नीरज बवाना और अमित भूरा गिरोह के सदस्य हैं। वे यह सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं को डराने का प्रयास कर रहे थे कि मुंडका से कांग्रेस प्रत्याशी रीता शौकीन की जीत हो। रीता बवाना की रिश्तेदार है। उल्लेखनीय है कि आज 7 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। दोपहर 12 बजे तक करीब 20% मतदान होने की खबर है। देवली विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम खराब होने की शिकायत भी मिली है। गुजरात में स्वाइन फ्लू से एक माह में 66 लोगों की मौत। स्वाइन फ्लू से 4 और व्यक्तियों की मौत की खबर के साथ ही गुजरात में नए साल में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 66 हो गई। राज्य सरकार ने एक बयान में कहा है कि आज वडोदरा में 2 व्यक्ति, राजकोट में 1 और कच्छ में 1 व्यक्ति की स्वाइन फ्लू की वजह से जान गई। इसके अलावा इस बीमारी के 73 नए मामलों की खबर है, जिसे मिलाकर स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव पाए गए मामलों की कुल संख्या 557 हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन का नाम लिम्का बुक में। सबसे अधिक बार लगातार लोकसभा चुनाव जीतने वाली इंदौर की सांसद और लोकसभा की अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। श्रीमती महाजन 1979 से एक ही संसदीय इलाके इंदौर से लगातार 8 बार सांसद चुनी गई हैं। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पिता बने। विश्व कप क्रिकेट से सिर्फ 1 सप्ताह पहले भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज एक बेटी के पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी साक्षी ने गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में बेटी को जन्म दिया। पाकिस्तान में भड़केंगे शोले। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र अभिनीत 1975 की बेहद सफल और भारतीय सिनेमा को एक नया मोड़ देने वाली फिल्म शोले को पहली बार पाकिस्तान में दिखाया जाएगा। पाकिस्तान मनोरंजन जगत से जुड़े एक प्रमुख फिल्म प्रदर्शक और वितरक ने पहली बार पाकिस्तान में भारतीय फिल्म शोले को प्रदर्शित करने का फैसला किया है। हिंदुस्तान में यह फिल्म 40 साल पहले रिलीज हुई थी। निर्देशक रमेश सिप्पी और उनके पिता जीपी सिप्पी द्वारा निर्मित 1975 में आई इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र मुख्य भूमिका में हैं। मांडवीवल्ला एंटरटेनमेंट के मालिक नदीम मांडवीवल्ला ने बताया कि पाकिस्तानी सिनेमाघरों में यह फिल्म कभी प्रदर्शित नहीं हुई और यहां के लोगों ने केवल इसे पायरेटेड तरीके से ही देखा है।